उत्पत्ति होता है। जैसे ये करणी दो है, करणी दो का जो मान होगा वो 1.414, मतलब ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे करणी दो एक अपरिमेय संख्या है, करणी तीन एक अपरिमेय संख्या है। करणी तीन का मान 1.732, मतलब ये बढ़ते ही चले जाते हैं, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम चौथे नंबर में पढ़ेंगे, चौथा नंबर में अपरिमेय संख्या। अब मुझे परिमेय संख्या भी जान गए, अपरिमेय संख्या भी जान गए, तो हमें अब क्या जानना है, अभी हमें जानना है वास्तविक संख्या। क्या जानना है? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या मालूम हो गया, अपरिमेय संख्या मालूम हो गया, तो हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है आपको मालूम होगा, क्या मालूम है, परिमेय संख्या। क्या वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण में जैसे मैंने लिखा है 3, 5 करणी 7 माइनस करणी 3/2। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 3, 5 करणी 7 माइनस करणी 3/2, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या के उदाहरण हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।